री एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप नए हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस संक्षिप्त सत्र में हम लोग राष्ट्रीय आयोग योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना के बारे में जो है थोड़ा सा चर्चा करेंगे, और इसके माध्यम से जो है भारत सरकार के द्वारा संचालित इस योजना को जो जमीनी स्तर तक जो पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि हमारे आसपास के अपने जनपद और क्षेत्र के जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें जो है आवेदन कर सके सरकार के द्वारा, चाहे वो भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार। सरकार के स्तर से विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जाती रही हैं ताकि लोगों की बेहतरी किया जा सके। तो इसी क्रम में शिक्षा के क्षेत्र में जो भारत सरकार के द्वारा 2008 ईस्वी से भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग नई दिल्ली के द्वारा जो है राष्ट्रीय आयोग योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना जो है प्रारंभ की गई है। अब इस योजना की कुछ शर्तें हैं, कुछ योग्यताएं हैं जिसके आधार पर इससे लोग जुड़ सकते हैं और इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, हम इसको क्रम से जो है देखने का प्रयास करेंगे। इसमें ऐसे जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है अध्ययनरत छात्र आवेदन कर सकते हैं, कक्षा 8 में जो है अध्ययनरत हैं, और ऐसे छात्रों को जो है सत्र जो है 2022 और 23 में होना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि कक्षा आठ में जो है ये अध्ययनरत हूं और इनका जो सत्र है वो 2022 और 23 जो है होना चाहिए। ये इनकी जो है योग्यता है। और इसमें शर्तें जो निर्धारित की गई हैं वो ये होना चाहिए कि पिछली कक्षा इनकी क्या है, पिछली कक्षा जो है कक्षा 7 थी, इसमें जो है 55% अंक जो है लाना आवश्यक है। और दूसरी तरफ अगर वो एससी और एसटी का कोई भी जो है छात्र है तो वो 50% जो है अंकों के साथ जो है यदि कक्षा 7 की पिछली परीक्षा उत्तीर्ण की है तो वह भी जो है इस सरकार के द्वारा संचालित योजना में जो हिस्सा ले सकता है और उत्तीर्ण होने के बाद इसका लाभ प्राप्त कर सकता है। लाभ क्या होंगे वो हम अभी इसी क्रम में जो है आगे बता रहे हैं। तो 2008 ईस्वी में जो भारत सरकार द्वारा संचालित की गई कक्षा 8 में जो है अध्ययनरत ऐसे छात्र जो 2022 और 23 की शैक्षिक जो है सत्र में जो है अध्ययनरत हैं वो इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि उनकी जो शर्त यह है कि पिछली कक्षा यानी कि कक्षा 7 में उन्हें जो है 55% अंक, और अगर वो इस कैटेगरी से आ रहे हैं एससी और एसटी से तो वो 50% अंकों के साथ भी पास होंगे तो उन्हें लिया जाएगा। अब चूंकि दो चीजें यहां पर देखने में आ रही, एक आय है एक योग्यता है, तो योग्यता के लिए परीक्षा जो है आयोजित की जाएगी और आय के लिए जो है यहां पर एक निश्चित सीमा में जो है आय की बात कही गई है जो कि 3.5 लाख यानी कि 3.5 लाख की जो है पीछे के परीक्षाओं में इसकी सीमा कम थी, लेकिन जैसे जैसे जो है भारत में जो है आर्थिक विकास का स्तर ऊंचा हो रहा है वैसे ही जो इसका मानक है इसको ऊपर किया गया है और 3.5 लाख तक की जो है आय वर्ग वाले लोगों के बच्चे इसमें जो है आवेदन कर सकेंगे। तो ये रही जो है योग्यता और शर्तों के बारे में एक सामान्य जानकारी। अब इसी क्रम में हम ये देखेंगे कि इसके लिए जो आवेदन है वो जुलाई के लास्ट तक जो है आप लोगों के लिए जो है बाकायदा सूचित किया जाएगा, सूचना दे दी जाएगी। और इसके संदर्भ में जो है शिक्षा निदेशक बेसिक लखनऊ के द्वारा जो पत्र जारी किया गया है, यह पत्र जो है सभी जिलों के जो है बीएसएस और जो है डीआरएसएस को जारी किए गए हैं, और यह पत्र जो है 7 जुलाई 2022 को जारी किया गया है, और इसके माध्यम से आप अन्य सभी जानकारियां ले सकते हैं। लेकिन इस पर एक लेक्चर जो वीडियो फॉर्मेट में इसलिए बनाया जा रहा है कि ताकि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सके, क्योंकि पत्र सरकारी जो विभाग और महकमे से कई जारी होते रहते हैं, कंफ्यूजन होता रहता है और लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये लेक्चर इसलिए जो बना दिया जा रहा है ताकि इससे जो है आप जो अच्छी तरीके से जो है चीज़ों को समझ सके, जो इसकी शर्तें हैं, जो योग्यता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग इसमें जो है आवेदन कर सके, जो कि इस योजना का और इस योजना को संचालित करने के लिए जो सरकार का एक उद्देश्य है। तो बेसिकली टारगेट यह है कि जो जनपद के लिए जो लक्ष्य दिए गए हैं उस लक्ष्य से कम 10 गुना
जैसे उत्तर प्रदेश के लिए पूरे भारत में आयोजित होते हैं, तो उत्तर प्रदेश के लिए जो है इसमें 15,000, ये मैं एक मोटा आंकड़ा बता रहा हूँ, 15,000 समथिंग जो है कुछ आंकड़े हैं, 15,000 इसका जो लक्ष्य रखा गया है, तो 15,000 के सापेक्ष 10 गुना लोगों को, यानी कि कम से कम 1.5 लाख इसमें आवेदन जो है किए जाने का लक्ष्य है। और इसी के लिए जो है शिक्षा विभाग से संबंधित जनपद स्तरीय जो बेसिक और माध्यमिक जो है अधिकारियों को इसमें निर्देशित किया गया है कि वो इसका प्रचार प्रसार करें और ज्यादा से ज्यादा जो है बच्चों का आवेदन कराएं, ताकि स्वस्थ प्रतियोगिता के माध्यम से जो है आयु योग्यता पर आधारित बच्चों का जो चयन किया जा सके, उन्हें अगले 4 वर्षों तक के लिए जो है लाभान्वित किया जा सके। तो ये जो है इसकी एक योजना है। अब हम इस पे जो है आय के लिए तो बता दिए हैं, योग्यता के लिए जो परीक्षा होगी उस परीक्षा पर जो थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। इस परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र जो आयोजित किए जाएंगे। पहले प्रश्न पत्र में जो 90 प्रश्न जो है होंगे, ये 90 प्रश्न जो है वो रीजनिंग के आएंगे, 90 प्रश्न जो है रीजनिंग के आएंगे। दूसरा जो प्रश्न पत्र है वो दूसरा प्रश्न पत्र 3 भागों में बटा हुआ होगा। इन तीनों भागों से जो है इसमें सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, विज्ञान है, और इसी तरीके से जो है मैथ यानी कि गणित, इन तीनों से जो है सवाल पूछे जाएंगे। तो इन तीनों ही जो है क्षेत्रों से सवाल पूछे जाएंगे। और यहां पर जो है 35 अंक प्लस जो है 35 और प्लस जो है 20, यानी कि टोटल यहां पर भी जो है 90 जो है क्वेश्चन होंगे। तो टोटल जो है 90 जो है प्रश्नों के 2 प्रश्न पत्र होंगे, और इस पे आधारित जो है टेस्ट उन कैंडिडेट्स के लिए जाएंगे जिनकी जो है आय जो है 3.5 लाख रुपए है। तो इस तरीके से वो ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, और दूसरी तरफ जो पढ़ने में जो अच्छे हैं। बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा योजना जो सरकार के द्वारा सोचा गया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, या कुछ शहर के भी बच्चे इसमें जो है सम्मिलित होते हैं, आते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन उनके बच्चे जो पढ़ने में जो है अच्छे होते हैं और उनकी इच्छा होती है कि हम आगे पढ़ाई करें। तो कहने का तात्पर्य है कि इन क्षेत्रों में जो सरकार के द्वारा अपने आर्थिक योगदान देने के लिए जो है इस योजना का संचालन किया जा रहा है। तो यह जो है इसकी परीक्षा का फॉर्मेट जो है होगा। तो अब आपने देखा होगा कि पिछली बार मतलब 15,000 का जो टारगेट प्रदेश के लिए दिया गया है, इसमें सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला फैक्ट है वो ये है कि पिछली बार की परीक्षा में यहाँ केवल 6,000 के आसपास, लगभग 6,000 बच्चे ने केवल आवेदन ही जो है किया था, और इसमें से 2,000 बच्चे जो है पास हुए हैं। अब आप मान के चलिए कि 13,000 जो बच्चों का जो डिफरेंस है वो स्टेट के बच्चों को जो है मिलना चाहिए था, उससे लाभान्वित होना चाहिए था, लेकिन वो लाभ प्राप्त नहीं हो पाया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये 13,000 बच्चों का टारगेट जो पीछे रह गया, इसीलिए प्रदेश सरकार इस बार जो भारत सरकार के द्वारा संचालित इस योजना को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे को जो इसमें सम्मिलित करवाने के लिए, और स्वस्थ प्रतियोगिता पर आधारित बच्चों को चयनित करने के लिए जो है यह योजना जो है संचालित कर रही है, इसका प्रचार प्रसार कर रही है। तो सभी से ये आग्रह है और अपेक्षा आप सभी लोगों से है कि ज्यादा से ज्यादा जो है अभिभावकों को, बच्चों को जो इससे जोड़ा जाए और इसके माध्यम से जो है आवेदन कराया जाए, ताकि उनके बच्चे जो है यहाँ पर आकर के जो है आप परीक्षा में सम्मिलित हो सके, आवेदन कर सके, परीक्षा में सम्मिलित हो सके और चयनित होकर के आगे लाभान्वित। अब इसका लाभ क्या है उसे हम थोड़ा सा देखेंगे। इसमें 2 तरीके की चीजें हैं, एक तो कल्चर आधारित जो है इससे लाभ होगा, दूसरा जो है आर्थिक लाभ होगा। तो जैसे कहने का तात्पर्य है कि आगे के जो 4 वर्षों में कक्षा 9, 10, 11 और 12 के लिए, इन 4, क्योंकि कक्षा 8 में बच्चा अध्ययनरत है तो वो जब तक उत्तीर्ण करेगा तब तक इसके परिणाम आ जाएंगे, उसकी सूची आ जाएगी कि किन किन लोगों को लाभान्वित करना है। तो कक्षा 9, 10, 11 और 12 के बच्चे जो इसमें मतलब के क्लासेस में उस बच्चे को जो चयनित हुआ है, प्रतिमाह 1,000 रुपए की जो है आर्थिक सहायता की जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई भी छात्र जो है सरकारी विद्यालयों में जो है अध्ययनरत है और प्रतिमाह 1,000 रुपए का जो सहयोग किया जाता है, तो मुझे लगता है कि इससे उसके शिक्षा संबंधी जो है खर्चे पूरे हो सकते हैं। केवल शिक्षा की यहाँ पे बात है, बाकी जीवन यापन के लिए तो बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है, लेकिन अगर सरकारी विद्यालयों में जो है बच्चा अध्ययनरत है तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा जो है खर्च की आवश्यकता होगी। तो जो इन चारों जो है
वर्षों में सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा, यानी कि इसका एक लाभ जो है वो आर्थिक लाभ जो है हो जाता है। दूसरा, इसमें जो है एक प्रतियोगिता का भाव बनता है। आपने देखा होगा कि यदि आपके आसपास कोई भी बच्चा हाई स्कूल यानी 9, 10, 11, 12 का मतलब हाई स्कूल इंटरमीडिएट की बात आ रही है और इन स्तरों पर अच्छे प्रदर्शन करता है, बेहतर समझ पैदा करता है और एक अपनी दिशा बना लेता है तैयारी की, तो आप यकीन मानिए कि आने वाले समय में या फ्यूचर में उसे किसी अच्छे स्थान पर या अपने लक्ष्य के अनुरूप जो है किसी जो है पद पर पहुंचने से कोई रोक नहीं पाता है, क्योंकि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा और यहाँ की जो पढ़ाई है वो किसी भी बच्चे के लिए एक महत्वपूर्ण जो है आधार होता है। और अगर यहाँ पर उसकी तैयारी बेहतर हो जाती है और उसमें प्रतियोगिता का भाव, क्योंकि यहाँ पे परीक्षा पास करने के लिए इन दो प्रश्न पत्रों को जो है उसे बेहतर ढंग से तैयार करना होगा, और यदि वो तैयारी करता है तो उसमें प्रतियोगिता का भाव जगेगा और वो ऐसे ट्रैक पर जो है पहुंच जाएगा जहां से उसे अब पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उससे एक प्रतियोगिता का जो है भाव बढ़ेगा और इससे जो है शिक्षा को जो है जमीनी स्तर पर लाने के लिए, शिक्षा कई तरीके की हो रही है, जैसे शिक्षा केवल आंकड़ों में नहीं होना चाहिए बल्कि शिक्षा से एक समझ विकसित होना चाहिए जो कि एक जिम्मेदार नागरिक को पैदा करने, समाज, देश, परिवार और राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने के लिए वो व्यक्ति जो है सक्षम हो सके। तो आर्थिक सहायता के साथ साथ प्रतियोगिता और शिक्षा के क्षेत्र में जो है योगदान देने के लिए ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण और जमीनी स्तर पर जो है जमीनी स्तर से जो है संबंधित है। तो आप सभी लोगों से अपेक्षा है कि इस योजना के जो भी फीचर्स हैं, जो उसकी विशेषताएँ हैं, जो उसकी योग्यता है, शर्तें हैं, उनसे न केवल अभिभावकों को बल्कि बच्चों को परिचित कराने का प्रयास कीजिए। और आपको एक लिंक भी उपलब्ध करवाया जाएगा टेलीग्राम का, और जिसके माध्यम से आप अगर जुड़ते हैं वहां पे तो इसकी तैयारी से संबंधित महत्वपूर्ण जो कंटेंट है, वो आप लोगों को दिया जाता रहेगा, जिससे बच्चे जो है निःशुल्क जो है अपनी तैयारी जो है कर पाने में सक्षम होंगे। तो आज के इस संक्षिप्त लेक्चर में हम लोगों ने राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित जो है योजना के बारे में अध्ययन किया, जो कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग नई दिल्ली के द्वारा 2008 से संचालित किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के लिए 15,000 का टारगेट दिया गया है और इसमें 10 गुना अभ्यर्थियों के जो है आवेदन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए जो जिला स्तर के माध्यमिक और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। तो आप लोगों का एक छोटा सा जो है सहयोग और प्रयास सरकार की इस योजना को सफल बनाने के लिए जो पर्याप्त होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना है, पुनः अगले लेक्चर में हम कुछ नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।